एक लड़की पैसों के लिए अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे लड़के से प्यार करती है जो लड़का उन्हें मंजूर नहीं था। क्या इनकी फेक रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगी, क्या इनमें कुछ हो पाएगा, ये हम इजी या नॉजी ये 2020 की एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी में देखेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिटी दिखाई जाती है जिसका नाम है हाइडलबर्ग। यहाँ हमारी मेन कैरेक्टर रहती थी जिसका नाम है इजाबेला, पर इसका निकनेम इसी है। वो एक बहुत ही रिच फैमिली से आती है। जैसे हमें बचपन में रिलेटिव्स के सामने बोला करते थे कि गाना गाकर सुनो, तो इजाबेला को जब बोला गया तो पाद देती है। कभी भी कन्वेंशनल जीना उसे अच्छा नहीं लगा था। इसी के पैरेलल में उसके टाउन के अलग साइड पर हमारा और एक मेन कैरेक्टर रहता था जिसका नाम था ऑस्कर। इसका निकनेम था ऑसी और इसी वजह से इस मूवी का नाम है इसी और ऑसी। वो अपनी मदर और ग्रैंडफादर के साथ रहता था और वो बहुत ही पुअर थे। उसके ग्रैंडफादर इलीगल चीजें किया करते थे। एक बार वो रॉबरी करने के लिए गए और इमिग्रेंट की लैंग्वेज वो समझ नहीं पाए और इसी वजह से उन्हें जेल हो जाती है। इजी को हमेशा कुकिंग बहुत अच्छी लगती थी, इसी वजह से अपने किचन में जाकर वही चीजें सीखने लग जाती है। उसका पढ़ाई में थोड़ा सा भी मन नहीं था। पैरेलल में ऑजी की स्कूल उतनी अच्छी नहीं थी। उसका जो भी गुस्सा होता था ये सब कुछ वो बॉक्सिंग में निकाल देता था। उसके कोच कहते कि एक अच्छा बॉक्सर बन सकता है, वही पर उसके फ्रेंड्स भी बने। इजी किचन के सर्वेंट के साथ खेलने लग गए और सारी चीजें वो सीखने लग जाती है, पर इस वजह से अपने स्कूल में उसका ध्यान नहीं होता। वो फेल हो गई और इस वजह से उसकी मदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, सारे सर्वेंट को फायर कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बड़े हो चुके हैं। ऑजी भी अपने फाइटिंग में बहुत आगे जा चुका है। उसकी एक बहुत बड़ी फाइट आने वाली है, अगर ये वो जीत जाता है तो उसके बाद वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। मदर के बहुत मना करने के बाद भी इजी ने अपना पैशन छोड़ा नहीं, वो अभी कुकिंग करती थी। उसे न्यूयॉर्क में कुकिंग के डिप्लोमा के बारे में पता चलता है जिसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड थी। इजी को उसके स्कूल में उसकी डिग्री लेने के लिए बुलाया गया। उसकी टीचर ड्रंक हो चुकी थी। वो कहती कि फाइनली तुम हाई स्कूल पास कर ही गए, तुम्हारे पेरेंट्स के इतने सारे लॉयर्स, हमें बहुत ज्यादा इससे तकलीफ हो गई, इतनी ज्यादा तकलीफ कि मैं खुद अल्कोहलिक बन गई। इजी को लगता था कि वो खुद पास हो रही है, पर उसे कभी भी पता नहीं था कि उसके पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस की वजह से वो पास हो रही है। इसी उसे बहुत बुरा लगता है। पैरेलल में ऑजी अपनी मदर के गैस स्टेशन के स्टोर में काम करता था। आज बहुत सालों बाद उसके ग्रैंडफादर जेल से बाहर निकल रहे हैं। उसकी मदर उसे कहती है तुम्हें अपने ग्रैंडफादर पर नजर रखनी पड़ेगी, अगर फिर से उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो इस बार वो जेल से बाहर ही नहीं निकलेंगे। उनके स्टोर में टैक्स डिपार्टमेंट से एक आदमी आता है जो उन्हें कहता है कि आप $14,000 ओ करते हो। इसके बारे में ऑजी की मदर ने कभी भी उसे बताया नहीं था, इसे वो टेंशन में आ जाता है। इजी के पेरेंट्स ने एक आर्ट एग्जीबिशन रखा था जहाँ पर एक लड़का फिर से उसे डेट के लिए पूछता है। ऑलरेडी इजी उसके साथ एक दो डेट पर जा चुकी है पर उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। उससे पूछती कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। वो लड़का कहता है कि तुम्हारे फादर मुझे इंटर्नशिप देने वाले थे, इसी वजह से मैं ट्राई कर रहा था। इजी के फादर चाहते थे कि उसी लड़के के साथ उसकी शादी हो जाए। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आज ऑजी जब प्रैक्टिस के लिए आया तो उसके कोच उसे कहते हैं तुम सिर्फ आधे टाइम प्रैक्टिस करते हो, बाकी सारा टाइम तुम स्टोर में होते हो, इसी वजह से उन्हें तुम पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा। फाइट के वैसे स्पॉन्सर ही देने वाले थे और अब यह फाइट नहीं हो सकती। ऑजी को इससे बहुत बुरा लगता है। उसे फाइट के लिए 8,000 यूरोस की जरूरत थी। इजी अपने पेरेंट्स के पास आए, वो पूछते हैं कि आप कितने समय से मेरी ग्रेड्स को फिक्स कर रहे हो, इस तरीके से चीजें नहीं चलेगी, अब वो कॉलेज नहीं जाना चाहती। वो कहते कि न्यूयॉर्क में कलिनरी स्कूल में मैं जाने वाली हूँ। उसकी मदर कहती कि इस बुलशिट के लिए मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाली। इजी कहती कि आपने मेरे लिए जो ट्रस्ट फंड रखा है उसी से पैसे मैं यूज करूंगी। मदर कहती कि मैं कभी भी पॉसिबल नहीं होने दूंगी। वो गुस्से में वहां से चली गई तो अपने ड्राइवर को इसका पीछा करने के लिए कहते हैं। इजी ने डिसाइड कर लिया था कि अपने पेरेंट्स को वो बहुत तकलीफ देगी। ऑजी अपने फ्रेंड्स के साथ उसके फ्यूचर प्लान को डिस्कस करने लग गया। उसे पता नहीं था कि अब आगे वो क्या करेगा। उसने बॉक्सिंग के अलावा और कोई चीज कभी की नहीं थी, शायद वो कंस्ट्रक्शन वर्कर बन सकता है। पर फ्रेंड ने उसे कहा कि काम तुम्हारे लिए नहीं है। पीछे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बैठा हुआ था, कहता है कि कुछ भी बात मत करो, ये एक अच्छा जॉब है और तुम्हारी बॉक्सिंग बहुत ही घटिया है। इस बात में उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। वो ऑजी को बॉक्स करना चाहता था पर ऑजी ने उसे नीचे गिरा दिया। वो जिस कैफे में थे वहीं पर इजी आई, वहाँ इंक्वायरी करती है कि क्या वहाँ पर उसे जॉब मिल सकता है। बॉस ने कहा कि तुम बहुत रिच लगती हो, तुम यहाँ पर काम नहीं कर पाओगी। इजी कहती कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ और फिर उसे जॉब मिल जाता है। उसने ऑजी को लड़ते हुए देखा और उसे आइडिया आया कि अगर वो ऑजी जैसे लड़के को डेट करती है तो उसके पेरेंट्स बहुत डर जाएंगे। उसके पास आकर पूछती है कि क्या हम दोनों कभी डेट पर जा सकते हैं। ऑजी कुछ भी बोल नहीं रहा था तो जबरदस्ती उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उस पर अपना नंबर लिख देती है। रात में ऑजी ने उसका इंस्टाग्राम चेक किया और उसे पता चला कि वो बहुत ही रिच है।
है। रॉजी की मदर भी ये सब देख रही थी। वो कहती कि मुझे एक आइडिया आया, तुम सिर्फ उसके पैसों के लिए उसे डेट कर सकते हो। एक बार तुम्हारे पास पैसे आके उसके बाद उसे डम कर देना। अपने करियर को बचाने के लिए ऑजी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और इस बात के लिए वो मान जाता है। रात में इजी जब घर पर आई तो उसकी मदर उस पर चिल्ला रही थी, कहती कि तुम जैसी लड़की इतनी इररिस्पॉन्सिबल चीजें कैसे कर सकती है, जिस चीज में कोई भी फ्यूचर नहीं इसे तुम कैसे परस्यू कर सकती हो। तभी ऑजी ने उसे मैसेज किया और इजी उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान गई। नेक्स्ट डे अपने जॉब पर चली जाती है। उतना ज्यादा अच्छा प्लेस नहीं था और जैसा फूड बने वैसा ही वो सर्व कर देते थे। इजी ने एक बहुत ही अच्छा सा बर्गर बनाया पर उसकी बॉस कहती है कि इतना बड़ा बर्गर यहाँ पर चलेगा नहीं। इजी के पेरेंट्स अभी भी ड्राइवर की मदद से उस पर नजर रख रहे थे। वो यहाँ पर रियल में काम कर रही है, इस बात से उन्हें बहुत बुरा लगता है। ऑस्कर इजी के डेट के लिए रेडी हुआ। अपने फ्रेंड से कहता है कि उस तरीके की लड़की मुझ में इंटरेस्टेड क्यों होगी। फ्रेंड कहता है कि तुम दिखने में बहुत अच्छे हो और जैसे ही वहां पर जाते हो तो उसकी तारीफ कर देना। तारीफ सुनने के बाद लड़की अपना दिमाग बंद कर देती है। ऑजी भी इजी के पास आ गया। वो कहता है कि तुम तो एक प्रिंसेस की तरह लग रही हो, जैसे मैंने देखा तो मेरा दिमाग उड़ गया। तुम्हारा ड्रेस भी बहुत अच्छा है। इजी कहती कि मेरा जॉब का यूनिफॉर्म है, पर ऑजी पीछे नहीं हटता। उसके हर एक चीज को लेकर उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। उसे लगा कि इजी यहाँ पर जॉब करी है ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। इजी उसे पूछती कि तुम क्या करते हो। ऑजी कहता है कि मैं बॉक्सर हूँ और स्लोली स्लोली उसे पंच करने लग गया। अपने बॉक्सिंग की स्टोरीज को सुनाता है जिससे इजी डरने लग गई थी। इजी के पेरेंट्स उसे लेने के लिए यहाँ पर आके उन्हें ऑजी से इंट्रोड्यूस करवा दिए। पेरेंट्स ने कहा कि तुम ये सब कर क्या रही हो और ये लड़का कौन है। वो ऑजी को एक्नोलेज नहीं कर रहे थे और इस वजह से वो गुस्सा हो गया। वो गुस्से में उसके पेरेंट्स को कुछ भी बोलकर वहां से चला जाता है। इजी की मदर उसे कहती है, तुम इस तरीके से हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती, अब हमने तुम्हारे अकाउंट भी फ्रोज कर दिया है, अब तुम कहीं पर भी जा नहीं सकती। इससे इजी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। ऑस्कर के पीछे पीछे गई, उसकी गाड़ी में बैठ गई। ऑजी कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, बाहर निकलो, पर इजी मानती नहीं। बिना ऑप्शन के वो इजी को भी अपने साथ लेकर गया। इजी को उसके गाड़ी में म्यूजिक कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है। आज ऑजी के ग्रैंडफादर बाहर निकल गए। वो इजी को देखकर गए थे कि मेरी अब बहुत ज्यादा एज हो चुकी है, मैं कुछ भी कर नहीं सकता। ऑजी कहता है कि आपके लिए नहीं है। उन्हें फिर लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड है। ग्रैंडफादर बहुत सालों से जेल में ही थे तो आसपास जो भी सब चीजें देखते हैं ये उन्हें बहुत ही अजीब लग रही थी। ऑजी पूछता है कि अब आपका प्लान क्या है, आप करने क्या वाले हो। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं रैपिंग करने वाला हूँ, जेल में हम यही सब क्या करते थे। ऑजी कहता है कि आप इस तरीके से कुछ भी कर नहीं सकते, कोई भी ग्रैंडपा काम नहीं करते, आपको एक नॉर्मल ग्रैंडपा रहना चाहिए। उसके ग्रैंडफादर मान नहीं रहे थे और इससे वो गुस्सा हो चुका था। वो इजी को उसके जॉब के पास लेकर आया। वो कहता है कि तुम रिच हो और इसी वजह से मैं तुम्हें डेट करना चाहता था। उसे गाड़ी से निकल जाने के लिए कहता है। इजी का हर जगह पर उसका ड्राइवर पीछा कर रहा था। वो गुस्सा हो जाती है और उसने वाइपर ही तोड़ दिया। रात में उसने ऑजी को मैसेज कर एक जगह पर मिलने के लिए बुला लिया। इजी उसे कहती कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे फाइट के लिए पैसे दूंगी और तुम प्रिटेंड करना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं मेरे पेरेंट्स को डराना चाहती हूँ। ऑजी फाइट से ज्यादा पैसे मांगता है क्योंकि अपनी मदर के ऊपर के डेट्स भी उसे पे करने थे। इनकी डील हो जाती है। इसके बाद जब उसके पेरेंट्स का आर्ट एग्जीबिशन था तो वहां पर ऑजी अपने फ्रेंड के साथ आया। आते हुए इजी को किस कर लेता है। यहाँ पर जो भी आर्ट था इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो जानबूझकर फाइट क्रिएट करना चाहते थे। वहां पर इजी के पेरेंट्स के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और जल्दी से वो वहां से भाग के इजी भी उनके साथ गई। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स दंग रह गए थे, उसके लिए बहुत ही वरीड थे। फादर मदर से कहते कि क्या तुम्हें लगता है कि वो भी तुम्हारी मदर की तरह ही निकलेगी। मदर कहती कि मैं कभी भी ये सब होने नहीं दूंगी। आज रात ऑजी के ग्रैंडफादर अंडरग्राउंड क्लब में रैप करने वाले थे। ऑजी वहां पर जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। ग्रैंडफादर कहते कि मैं कर सकता हूँ और वो स्टेज पर चले गए। स्टार्टिंग में तो न्यू टैलेंट उन्हें थ्रैश करता है, पर जब ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया तो सब लोग उनके साइड पर चले गए थे। वो एक बहुत ही अमेजिंग रैपर थे, सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं। इजी कहती कि मैंने आपका वीडियो निकाला, मेरी फ्रेंड इन्फ्लुएंसर है और उसका मैनेजर आपको वीडियो वायरल करने में हेल्प कर सकता है। इजी ने ऑजी से कहा कि तुम्हें इस तरीके से उन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ही स्मार्ट है और सब कुछ वो कर सकते हैं। ऑजी कहता है कि उन्हें जेल तो सिर्फ 4 साल की हुई थी, पर अंदर जाकर वो वायलेंस करने लग गए और इसी वजह से 15 साल बाद वो बाहर आए। इसे स्मार्टनेस नहीं कहते। ऑजी को अपने फाइट के लिए पैसे चाहिए थे। इजी कहती कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया है तो मैं उन पर प्रेशर डालना पड़ेगा। आज रात उसे अपने घर पर लेकर गई। उनकी कार का कलेक्शन देखता है और वो तंग रह गया। इजी उसे एक आर्ट कलेक्शन देती है, कहती है कि अगर तुमने इसे सेल कर दिया तो तुम्हारे सारे पैसे आ जाएंगे। इजी के पेरेंट्स आने वाले थे तो ऑजी कहता है कि चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। वो उसे किस करने लग गया पर इजी को पसंद नहीं आता। ऑजी ने कहा कि सब लड़कियां मेरी किसिंग की दीवानी है। इसके बाद वो मेकआउट करने लग गए और इजी को उसके लिए फीलिंग्स आ गई थी। उसके पेरेंट्स के घर आने का आवाज करता है और वो पोजीशन में आ गए।
जब इजी के फादर ही देखते तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। फादर कहते कि तुम ये सब करके आ रही हो। इजी कहते कि मैं उससे प्यार करती हूँ। फादर कहते कि ये सब झूठ है। इजी में गुस्से में कहा कि मैं एक्चुअल में किसी से प्यार कर सकती हूँ, ये बिलीव करना इतना हार्ड नहीं है, हर लड़की सिर्फ पैसों के लिए शादी नहीं करती। इजी को तो यही लगता था उसकी मदर ने उसके फादर से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। फादर इस बात से गुस्सा होके और उसे मारने वाले थे, पर ऑस्कर उन्हें रोक लेता है। इजी ने कहा कि अब मैं ऑस्कर के साथ ही रहने वाली हूँ। इजी अपने ड्रीम के बारे में ऑजी को बताती है। ऑजी कहता है कि तुम रिच लोग स्मार्ट नहीं होते, तुम्हें खुश रहना नहीं आ सकता। वो कहता है कि तुम्हें तो सिर्फ कुकिंग ही करनी है, तो तुम वो कहीं पर भी कर सकती हो। उसे किचन में लेकर गया और सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल देता है। कहता है कि अब कुक करो। इंग्रेडिएंट्स उतने अच्छे थे नहीं, पर फिर भी इजी इससे बहुत ही अच्छी डिश बनाती है। ग्रैंडफादर को ये डिश देखकर उतना अच्छा लगता नहीं, पर जब उन्होंने टेस्ट की तो बहुत ही अमेजिंग थी। रात में सोते वक्त इजी उसके रूम में मोल्ड को नोटिस करती है। इसे उसे बहुत ही घटिया लगता है। उसने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ आकर रह रही हूँ। अगले दिन वो ऑजी से कहती कि मेरे फ्रेंड के यहाँ पर एक इमरजेंसी थी, इसी वजह से मुझे जाना पड़ा। बातों बातों में इजी को ऑजी का टैलेंट पता चलता है। वो किसी भी वर्ड में कितने अल्फाबेट है ये बता सकता था। बचपन में उसे गेम शो में जाना था पर वो जा नहीं पाया। इजी कहती कि तुम अपने ग्रैंडफादर की तरह ही टैलेंटेड हो, अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो अब तुम एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन ले सकते थे। ऑजी कहता है कि मैं बॉक्सिंग में भी बहुत अच्छा हूँ। उसे अपनी रिंग पर लेकर गया। उसके कोच देखते हैं और कहते कि इस तरीके की डिस्ट्रैक्शन अच्छी नहीं है। वहां पर ऑजी की मदर भी आ गए। वो कहती कि स्टोर पर काम करने के लिए तुम्हें लेट हो चुका है, आज रात एक पार्टी थी और वहां पर वो फिर से मिलने वाले थे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ऑजी को प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता था। ग्रैंडफादर ने आज फर्स्ट टाइम गैस स्टेशन देखा और वो बहुत ही प्राउड थे। ऑजी से पूछते कि तुम कहां पर जा रहे हो। वो कहते कि आज मुझे भी पार्टी करनी है, मुझे एक रिकॉर्ड डील मिली है। सब लोग उनके लिए बहुत खुश थे। पार्टी में ऑजी के फ्रेंड को एक लड़की पसंद आती है, उसका उसने नंबर लिया और उसे एक गंदी पिक्चर वो सेंड कर रहा था। इजी उसका मजाक लेती है और ये देखना चाहती थी, तो गलती से फ्रेंड से अपनी मदर को सेंड हो जाता है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। सब लोग जल्दी से उसके घर पर पहुंचे। वो हर जगह पर अपनी मदर के फोन को ढूंढने लग गया, पर पीछे से उसकी मदर आके उसे बहुत मारती है। इजी ने ऑजी की प्रॉब्लम नोटिस की थी। उसे कहती है कि अगर तुम्हें बेस्ट बॉक्सर बनना है तो हमेशा तुम गैस स्टेशन पर काम नहीं कर सकते। ऑजी इस बात को टाल देता है और उसे किस कर लेता है। कहता है कि इसके आगे हम दोनों में वैसे भी कुछ होने नहीं वाला। इजी के पेरेंट्स ने वीडियो देखी जिसमें वो पार्टी में थी। इसे उसके फादर डिस्टर्ब हो जाते और वो पार्टी में आके वहां पर इजी और ऑजी को मेकआउट करता देख लेते हैं। बहुत ज्यादा ड्रंक होकर वो घर पर आए। ऑजी इजी का ख्याल रखता है और वो एक दूसरे के पास सोए थे। इजी कहती कि मेरे पेरेंट्स के बेडरूम में भी ऐसी एक पिक्चर थी। मुझे पहले लगता था कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर शायद वो सिर्फ पैसों के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। वो ऑस्कर को किस कर लेती है और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह होने पर इजी के पेरेंट्स उसे लेने के लिए आए हुए थे। वो कहते हैं कि हम हार गए, तुम्हें जो चाहिए वो तुम कर सकती हो, तुम्हें न्यूयॉर्क जाना है तो तुम जा सकती हो, सारे पैसे हम तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे, सिर्फ इस लड़के के साथ रिलेशनशिप को तोड़ दो। इजी इस बात के लिए मान जाती है। ऑजी को उसने जो पैसे प्रॉमिस किए थे ये सब कुछ उसने उसे दे दिया। इन सब बातों से ऑजी को बहुत बुरा लगता है। इजी उसे कहती है कि ये पैसे तुम्हें अपने करियर के लिए यूज करने चाहिए। ऑजी कहता है कि तुम मुझे कभी भी समझ नहीं सकती, मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, तुम मेरी जैसी कभी भी जी नहीं सकती, तुम अपने पैसों का ख्याल रखो और मुझे जो अच्छा लगे मैं वही करूंगा। ऑजी को उससे बहुत अपसेट लगता है। वो जहाँ पर काम करती थी वहाँ की एम्प्लॉय को अच्छे से काम करना आता नहीं था। वो खुद को भी हर्ट कर सकती थी या फिर दूसरा कोई हर्ट हो जाता। ये देखकर इजी ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया। बॉस ने उस एम्प्लॉय को फायर कर दिया। इजी घर पर आई तो उसके पेरेंट्स ने उसे सारे पैसे दे दिए थे। उसे उस एम्प्लॉय के लिए बुरा लग रहा था तो कुछ पैसे उसे ट्रांसफर कर देती है। इजी और ऑजी एक दूसरे के बिना दोनों बहुत अपसेट थे। इजी अपने फ्रेंड से कहती है कि अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तभी मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे ऑजी की याद आ रही है। फ्रेंड कहती कि प्यार की वजह से ब्रेन में तुम्हारे केमिकल्स काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में सारी फीलिंग्स तुम्हारी चली जाएगी। एक दिन ऑजी के पास उसके ग्रैंडफादर बहुत खुश होकर आए क्योंकि उनके रिकॉर्ड लेबल ने उन्हें 30,000 यूरोस दिए थे। ये पैसे लेकर ऑजी इजी के पास आया। वो कहता है कि अब मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। इजी कहती कि मुझसे इस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है। ऑजी कहता है कि तुम कभी भी अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। इजी कहती कि क्या फीलिंग्स होने के लिए गरीब होना पड़ता है। उन दोनों में झगड़ा हो गया और ऑजी कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने शीट्स को बदल दिया, तुमसे बास आती है। इजी कहती कि तुम्हारा पूरा घर सड़ा हुआ है, तुम्हारी मदर तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। ऑजी ने कहा कि अपनी लाइफ में तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी। इजी कहती कि तुम अपनी फाइट हार जाओगे और वही गैस स्टेशन पर हमेशा के लिए काम करते रहोगे।
वो गुस्से में घर भर आए और उसकी मदर उसे बात करना चाहती है। इजी कहती कि तुम लोग मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं सकते, मैं तुम्हारी तरह सिर्फ पैसों के लिए एक रिच आदमी के साथ शादी नहीं करना चाहती। गुस्से में ऑजी इजी की एक वीडियो ऑनलाइन डाल देता है जिसमें वो गरीब लोगों के बारे में कुछ बोल रही थी। इजी की मदर उसके पास आई, उसे अपनी मदर की फोटो दिखाती है। वो कहती कि जब मैं छोटी थी तभी उसकी डेथ हो गई थी। वो बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल थी, एक बार कार में बंद कर पार्टी करने के लिए चली गई थी। तब से मैंने अपना खुद का ख्याल खुद ही रखा है, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन लो। इजी को भी अपनी मदर को इस तरीके से ट्रीट कर बुरा लगता है। उसे उसकी फ्रेंड ने उसकी वीडियो सेंड की। इजी गुस्से में ऑजी के मैनेजर को कॉल कर दिया और उसकी फाइट उसने कैंसिल करा दी। इजी ने जिस एम्प्लॉय को पैसे दिए थे अब वो बहुत खुश थी और रिच होकर इजी से मिलने के लिए आती है। इजी को देखकर बहुत अच्छा लगता है, पर ऑजी बहुत गुस्से में उसके पास आया। वो कहता है कि तुम ऐसा कर कैसे सकती हो। इजी ने कहा कि तुमने भी मेरी वीडियो डाली थी। ऑजी को यही पर कॉल आता है, उसके ग्रैंडफादर किसी को मारने के लिए जा रहे थे क्योंकि उनकी वीडियो पर उसने बैड कमेंट किया था। ऑजी कहता है कि मुझे तुम्हारी कार की जरूरत है। वो जल्दी से ग्रैंडफादर के पास आए और उन्हें कोई भी क्राइम कमिट करने से बचा लेते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं कि आजकल सब कुछ बदल चुका है, यहाँ पर एडजस्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। ऑजी कहता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो पर आपको बाकी सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। आजकल सारी चीजें ऑनलाइन रहती है और ग्रैंडफादर को कुछ भी पता नहीं चल रहा था, इसी वजह से और भी ज्यादा डिस्टर्ब थे। ऑजी कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप वरी मत करो। ग्रैंडफादर के जाने के बाद ऑजी इसी से कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार कर सकता हूँ, ये मैं एडमिट करने के लिए रेडी नहीं था। मैंने तुम्हें बहुत बुरा कहा था पर वो सब झूठ था, तुमने मेरे बारे में जो चीजें नोटिस की ये मैंने खुद कभी नोटिस नहीं की थी। इजी उसे हक कर लेती है और किस करना चाहती थी। ऑजी उसे दूर हो जाता है, कहता है कि मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में इजी अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ थी पर हर कोई अपने पेरेंट्स के पैसों पर ही आगे बढ़ रहा था, ये उसे अच्छा नहीं लगता। ऑजी की मदर ने उसे बात की, कहा कि इजी को तुम्हें फिर से डेट करना चाहिए, हमारे स्टोर में और कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं और इसके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। ऑजी को यह सब बहुत गलत लगता है। वो कहता है कि स्टोर अच्छे से चल नहीं रहा, ऑलरेडी इसमें आपने बहुत सारे पैसे डाले, तुम्हें बंद कर देना चाहिए और जॉब ढूंढना चाहिए। इजी अपने फ्रेंड से बात करती है, कहती कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसकी फ्रेंड कहती कि तुम चाहती थी कि न्यूयॉर्क जाकर वहां पर स्टडी करो पर तुम वहां पर नहीं हो, तुम सेंसिटिव हो और लोगों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप चाहती हो। इजी को पता चल गया कि वो चाहती क्या है। वो जहाँ पर काम करती थी उस रेस्टोरेंट में आई और उसे बाय कर लेती है। अगर उसे कुकिंग ही करनी है तो कहीं पर भी कर सकती है और एक डिफरेंस ला सकती है। ऑजी की फाइट स्टार्ट होने वाली थी पर अपनी मदर के बारे में वो वरी कर रहा था क्योंकि कॉल लग नहीं रहा था। पर उसकी मदर वहां पर आके उसे कहती कि मैंने अपनी गलती रियलाइज की है, उन दोनों में रिलेशनशिप ठीक हो गई। ऑजी फिर फाइटिंग के लिए गया, फाइटिंग में उसका अपोनेंट बहुत ही स्ट्रांग था, वो हार रहा था पर इजी उसके पास आती है। वो कहती कि जब मैं तुम्हारे साथ थी तो मैंने जितना जिंदा महसूस किया था उतना मैंने कभी भी नहीं किया, मैं अब यही रहकर कुक करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें बहुत गलत गलत चीजें बोली थी पर तुम भी परफेक्ट हो, तुम इस फाइट में जीत सकते हो, अब जाओ और जीत कर आओ। ऑजी इस बात से मोटिवेटेड हुआ और ये फाइट वो जीत जाता है। फाइनली दोनों एक साथ थे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिए।